पाई तो सांसद किस बात की सांसद है आप बताइए, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके जो रेजिडेंस में आके सैनिक को मजबूरन आपके रेजिडेंस के अंदर खड़ा होना पड़ रहा है और इस बारिश में आपका इंतजार किया जा रहा है। और हम कहते हैं, अगर आप कहती हैं कि ठीक हम आते हैं तो हम आज खड़े हैं, पूरी रात भर खड़े रहने को तैयार हैं। जय हिंद दोस्तों, धिक्कार है, लानत है ऐसे जनप्रतिनिधि पर, ऐसे सांसद पर जिन्होंने सैनिकों को बारिश में कराया इंतजार, फिर सैनिकों का फूटा गुस्सा और जबरदस्त लगाई लताड़। आप देख सकते हो कहां छुप गई हो सांसद, और क्यों नहीं सैनिकों का कर पा रही सामना। और ये मामला है, आप समझ सकते हो, देहरादून टिहरी गढ़वाल साइड का, वहां की सांसद है महारानी माला राज लक्ष्मी, टिहरी गढ़वाल की हैं। और जब सैनिक संगठनों ने उनसे मिलने का समय मांगा, क्योंकि उनको देना था ज्ञापन, माननीय सांसद महोदय ने समय दिया, लेकिन जैसे ही समझ सकते हो कि एक सैनिक सही जगह पर सही ड्रेस में सही समय पर सही तरीके से पहुंचता है, चाहे वो बारिश हो, चाहे आंधी हो या तूफान हो, सैनिक संगठन हजारों की संख्या में बारिश में भीगते हुए माननीय सांसद महोदय के घर के बाहर इंतजार कर रहे हैं। और माननीय सांसद ना घर में है ना बाहर, वो मुंह छिपा के कहीं नदारद हो गए। इसके ऊपर सैनिकों ने जबरदस्त गुस्सा दिखाया, रोष दिखाया, उनका सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने ये ठाना कि मैं रात भर यहीं रहूंगा। और कहा, आप वीडियो में इतनी गुस्सा, आप इतनी घृणा देख सकते हो, उन्होंने कहा कि शर्म आती है हम ऐसे जनप्रतिनिधि चुनते हैं, शर्म आती है जो देश के सैनिकों के लिए समय देने के बावजूद भी नदारद हैं, छुप गए हैं। ऐसे ऐसे संसद सदस्य का क्या मतलब है, ऐसे जनप्रतिनिधि जिनके आगे महारानी लगी है, महाराजा लगा है, वो आके एक आम सैनिक से मिलने के लिए इनके पास समय नहीं है, एक देशभक्त लोगों के पास इनके लिए समय नहीं है, एक देश के रक्षकों के पास इनके पास समय नहीं है। तो शायद आप समझ सकते हो कि ये हमारी समस्याओं को कितना गंभीर से लेंगे या कितना सीरियस लेंगे। ये दो या तीन वीडियो हैं, जबरदस्त आप गुस्सा समझ सकते हो और इसके ऊपर कमेंट्स कर सकते हो। क्या यानी देवभूमि उत्तराखंड, जहां 90% लोग सैनिक हैं, वही सैनिक यहाँ राजनेता हैं, नेता हैं, अधिकारी हैं, और फिर भी यहाँ पर सैनिकों की बात न सुनना एक सांसद द्वारा कितना घोर निंदनीय है और ये अपराध भी है। जरूर ऐसे वीडियो आप शेयर करें, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। वो आरोपी की मांग को लेकर गए थे, विसंगतियों को लेकर गए थे, वही ज्ञापन था जिस ज्ञापन को सीधे इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति तक पहुँचाना था। कोई बात नहीं, और दूसरी तरीके से जाएगा, लेकिन ऐसे सांसदों को इस तरह लताड़ लगाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों। सर, हम लोग उनके घर के ऊपर हैं, लेकिन माननीय सांसद जो है आज यहाँ से घूम है, ये उन सैनिकों का अपमान है, उन्हें बुलाने के बाद जो है सांसद यहाँ से घूम हो गई है, इससे बड़ा अपमान क्या होगा। जैसे कि आप देखते हैं पूर्व सैनिकों का बहुत विरोध माननीय सांसद जी के घर पर आने के बाद, पूर्व सैनिकों का क्रोध कि माननीय सांसद अपने निवास स्थान पर नहीं मिली, इससे पूर्व सैनिकों में भारी आक्रोश और सांसद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और माननीय सांसद को भी इससे संज्ञान लेना चाहिए। और अगर रिश्वत नहीं होगी तो ना करें। और हर संगठन के अध्यक्ष से मेरा निवेदन ये भी है कि पीएमओ को हर व्यक्ति चिट्ठी लिखे कि माननीय सांसद फिर ने माननीय तो रही नहीं है, वो हमारे लिए हमें कहीं दिया देने के बाद वो यहाँ पर उपस्थित नहीं थी। अगर उनके पास टाइम नहीं था तो वो हमें टाइम नहीं देती, लेकिन टाइम देने के बाद यहाँ हजारों आदमियों को पूर्व सैनिकों को बुलाने के बाद और यहाँ खुद ना होना, ये हम सबका अपमान है। जितने भी पूर्व सैनिक यहाँ है, ये हम सबका अपमान है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, अपना हाथ प्रशासन ड्यूटी में लगा, वो भी फंसा है। बोलो, एक मिनट बोलो बोलो बोलो। और उसको एक भी अध्यक्ष है, ठीक है, मेरी बिल्कुल काइंडली रिक्वेस्ट है कि मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को ये चिट्ठियां जरूर भेजे, पता लगे कि उनको कि ये जो वोट, ये जो सरकार है, वो मोदी जी के नाम से वोट दे, पीएम सांसद के नाम से वोट नहीं है, कि उनके सांसद क्या कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर, ये वहां तक आवाज जानी चाहिए।
और पुलिस प्रशासन ने कितना सहयोग किया भाई, इनके लिए ताली बजाओ, चलो ताली बजाओ भाई, एक और ताली बजाओ। सबका जो है बड़े तहे दिल से जो मैं धन्यवाद करता हूँ, और आप हमें यहाँ से जो है हम कहते हैं अरे सौरेश्वर में चलो, प्रदेश है अभी सौरेश्वर में, अब हम यहाँ से क्या करेंगे सौरेश्वर पे हम 15 मिनट की एक शॉर्ट मीटिंग करेंगे और उसके बाद हम सब लोगों को बनाए नहीं एक एक पेपर के लिए बना रहे फोटो कहना है गुमशुदा की रिपोर्ट। देश की जो सेना है उसका जो गौरव है आप नहीं रख पाई तो सांसद किस बात की सांसद है आप बताइए, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके जो रेजिडेंस वहां के सैनिक को मजबूरन आपके रेजिडेंस के अंदर खड़ा होना पड़ रहा है और इस बारिश में आपका इंतजार किया जा रहा है, और हम कहते हैं अगर आप कहती हैं कि ठीक हम आते हैं तो हम आज खड़े हैं, पूरी रात भर खड़े रहने को तैयार हैं। आप आइए तथे एक छोटा सा ज्ञापन लीजिए, आप सम्मान कीजिए, जनता को क्या मैसेज पहुंचाएंगे बताइए। आप एक सांसद होकर आप जो है अपनी जनता को टाइम देने के लिए आपके पास समय नहीं है, बहुत शर्म की बात है। ऐसे सांसद को जो है कोई अधिकार नहीं है अपने सांसद, जैसे कि आप देख रहे हो अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग संगठन के अध्यक्ष यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अपना रोज जता रहे हैं। जिस प्रकार आप देख रहे हो ऐसे ही कालसी से लेकर देहरादून तक हर क्षेत्र के संगठनों के अध्यक्ष यहाँ पे पहुंचे हैं, हम आपसे मिलाते हैं यहाँ पे, फिर पता करते हैं कि हमारे जो कालसी से भी यहाँ पे कई संगठन पहुंचे हैं। श्रीमान आप क्या बोलना चाहेंगे, इतना बड़ा संगठन यहाँ पे पहुंचा है बट हमारे यहाँ पे जो है मैम यहाँ पे पहुंची नहीं है, तो क्या बोलना चाहेंगे आप इसके लिए? सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि समय लेने के बाद भी अगर माननीय सांसद यहाँ से निरादर है नहीं है तो ये पूर्व सैनिकों का अपमान है। अगर उनके पास टाइम नहीं था वो समय नहीं देते, लेकिन उन्होंने समय दिया। पूर्व सैनिक कितने दूर दूर के क्षेत्रों से यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने ना आंधी देखी ना तूफान देखा ना बारिश देखी, और उनके दिए समय अनुसार उनकी रेजिडेंसी के ऊपर जो है आज हजारों पूर्व सैनिक खड़े हुए हैं, लेकिन माननीय सांसद यहाँ से जा चुकी हैं नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा क्या हम अपना प्रतिनिधि इसलिए चुनकर भेजते हैं कि जब हमें उनकी जरूरत हो, जरूरत है क्या उनकी, लेकिन एक मान सम्मान था कि उनके माध्यम से वो संसद के अंदर हमारी बात रखें और माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय रक्षा मंत्री जी को हमारा ज्ञापन जो है प्रेषित करें, सिर्फ इसलिए उनको जो है याद किया गया। ज्ञापन तो हम SDM के माध्यम से दे सकते थे, DM के माध्यम से दे सकते थे, डायरेक्ट जो उसको पोस्ट कर सकते थे, लेकिन उनका मान सम्मान करने के लिए, कि मान सम्मान देने के लिए कि एक हमारी सांसद है, हमारी लोकसभा की सांसद है और वो हमारी बात को अच्छे तरीके से संसद में रखेंगी। वो क्या संसद है हमारी बात को रखेंगी जब वो हमारा ज्ञापन लेने के लिए यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो क्या वो संसद में रहेंगी, वो हमारी बात रख पाएंगी? धिक्कार है ऐसे नेताओं के ऊपर जो इतने सारे पूर्व सैनिकों का अपमान करने के लिए उनको यहाँ पे बुला लिया और अपने आप यहाँ से चले गए। लानत है ऐसे लोगों पे। और मैं जनता से ये अपील करूंगा कि अगली बार जरूर ये ध्यान रखें कि हमें किसको वोट देना है और किसको लोकसभा के अंदर चुनकर भेजना है। जय हिंद जय भारत। सैनिक एकता।